गुड आफ्टरनून ऑल. लास्ट लेक्चर वी हैव टू सी दैट द सिंपल एग्जांपल ऑन इंटीग्रेशन 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 बाय पार्ट्स सब्स्टिट्यूशंस ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके नाउ वी विल स्टार्ट द एक्चुअल सिलेबस फॉर सब्जेक्ट. Okay, first the solution of differential equation, the first method is PS form, variable separable form. Write down first term. Variable separable form. In bracket cancel VS form, short form VS form. VS form. Now VS form for example that is a VS form just f of x dx plus f g of y dy is equal to 0. This is this is VS form. This is variable separable form. How to consider this is the variable separable form? Look, look that f of x dx plus g of y dy is equal to 0. मतलब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे x का function है. ओके देखो ये x है, x with respect to क्या है, यहाँ पे x ही है ना, और y with respect to क्या है, y है. मतलब फंक्शन विथ रिस्पेक्ट अगर वही वेरिएबल होगा, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट वही, सॉरी जो एक्स में फंक्शन है ना उसका विथ रिस्पेक्ट एक्स है और वाई फंक्शन है उसका विथ रिस्पेक्ट वाई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. देन इट्स अ सॉल्यूशन. देन वी गेट सॉल्यूशन बाय फाइंडिंग द इंटीग्रेशन. Taking integration integration f of x dx plus integration g of y dy is equal to c. अगर क्या अगर c का गया ना कारण जीरो से इंटीग्रेशन का है तो ना कांस्टेंट कहते हैं टर्म, तो अपन क्या करते हैं c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ given function. This is required solution. Solution of differential equation. Next of for example, ये तो हमने डायरेक्ट सिंपल एग्जांपल ले लिया है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ, यहाँ पे एफ ऑफ वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है. ओके तो इसको फर्स्ट क्या करना होगा, आपको सिंप्लीफाई करना होगा. कैसे सिंप्लीफाई करना होगा फर्स्ट आपको, तो देखो जब आप VS फॉर्म यूज करने वाले, तो VS फॉर्म कब यूज करना है, तो आप सिंपली मेथड यूज करके आप वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, VS फॉर्म यूज कर सकते हैं. बा मुझे क्या असेल, तुम्ही जर फंक्शन सेपरेट करू शकत असाल इजीली, हां एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स आणि वाई विथ रिस्पेक्ट वाई इजीली करू शकत असाल तर काय म्हणायचं, VS फॉर्म म्हणायचं. आणि VS फॉर्म मध्ये काय करतो, VS फॉर्म म्हणजे काय, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आलं, म्हणजे तेच फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आलं असेल. सपोज फंक्शन ऑफ एक्स आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आलं, फंक्शन ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू वाय आलं, तर त्याला काय म्हणायचं, VS फॉर्म म्हणायचं. आणि VS फॉर्म असेल तर डायरेक्ट तुम्ही काय करू शकता, त्याचं इंटिग्रेशन घेऊ शकता सोल्युशनसाठी. ओके आता हे जर तुम्ही एक्झाम्पल बघितलं असेल तर याच्यामध्ये काय आहे, तेव्हा दिस इज फंक्शन ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स अँड फंक्शन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय. सेपरेट कसं करायचं, सिम्पली एफ ऑफ वाय डी एक्स इज इक्वल टू मायनस जी ऑफ एक्स डी वाय.
क्या ये क्या करना पड़ेगा, जी एक्स इक्वल डिवाइड लगे माइनस वन अपॉन एफ ऑफ वाई डी ओ नालावा फंक्शन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड नेक्स्ट क्या है टेकिंग इंटीग्रेशन taking integration now we get the final answer integration getle tumhala final answer milun jail ka adchan nanna okay bas samjla first vs form ka adchan na vs form madhe नेक्स्ट एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल एक्स कॉस एक्स कॉस वाई x cos x cos y plus sin y into dy plus sin y into dy is equal to 0. dy by dx I thought. By x cos y plus sin y into dy by dx is equal to 0. मग काय करू शकतो आपण याच्यामध्ये सॉल्व करण्यासाठी मग फर्स्ट मेथड कौन सी यूज करनी होगी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट क्या कर दो इसको dx जो डिनोमिनेटर में है ना dx ये dx लेते आप यहाँ पे ए डी एक्स है ना उसको डिनोमिनेटर से हटा दो उसके लिए क्या करना होगा रिमूव दिस डी एक्स बाय यूजिंग द मल्टीप्लाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाइंग बाय डी एक्स देयरफॉर एक्स कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस sin y into dy is equal to 0 bakayte x cos y into dx plus sin y dy karan dx ka will remove will na karan multiplying by dx mante apan all term la multiply by dx 0 into dx is also 0 sin y dy yaha pe dekho sirf y with respect to y lekin yaha pe aapne agar dekh le example mein yaha pe dekho
यहाँ पे cos x विद रिस्पेक्ट टू x है और sin y विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब y फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो cos y वो एक्स्ट्रा टर्म है ना, ए टर्म एक्स्ट्रा है cos y, तो इसको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो उसके लिए मेथड्स कौन कौन से मेथड, देखो यहाँ पे cos y रिमूव करने के लिए आप डिवाइड भी कर सकते हो cos y से, लेकिन डिवाइड करते हो तो एक याद रखो, यहाँ पे ये यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ पे जीरो चाहिए तो भी आप डिवाइड कर सकते हो। ओके यहाँ पे जीरो नहीं हो तो नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन आएगा ना वन अपॉन कॉस आएगा, उसका आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते और इंटीग्रेशन भी नहीं निकाल सकते। तो सिंपल इसको देखो यहाँ पे कब डिवाइड करना है, देखो यहाँ पे कॉस वाई ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो यहाँ इसके लिए हम क्या करना है, इसको डिवाइड कर दिया हमने कॉस वाई से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा, लेकिन एक याद रखो यहाँ पे जीरो की जगह पे वन नहीं होना चाहिए, वन टू थ्री नहीं होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए या कॉस वाई होना चाहिए, तो क्या कॉस वाई को कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा। बगा सिंपल अपने है कॉस वाई नको है, कारण बगा एक्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, पण हा कॉस वाई नको है, मग हा रिमूव कसा करायचा, तर कॉस वाईने सरळ डिवाइड करा म्हणजे तो काय होईल, रिमूव होईल। ओके पण रिमूव करताना एक लक्षात ठेवायचं, इथे एक तर झिरो पाहिजे किंवा कॉस वाय पाहिजे, ओके एक तर झिरो पाहिजे किंवा कॉस वाय पाहिजे, तर झिरो तुम्ही डायरेक्ट काय करू शकता, तुम्ही डिवाइड करू शकता डायरेक्ट डिवाइडिंग कॉस वाय वी गेट, कौन सी जो आपको मेथड अच्छी लगी वो मेथड यूज कर दो, यहाँ पे कौन सी मेथड आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है यहाँ पे, को एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो हमने क्या किया यहाँ पे कॉस वाई से डिवाइडिंग कॉस वाई, हम बहुत सा है डिवाइडिंग थ्रू आउट डिवाइडिंग बाय कॉस वाई, तुमने कॉस वाई से यहाँ पे डिवाइड किया, ओके कॉस वाई ने अपने तो डिवाइड किया, ओके राइट लेटर में कह रहा था एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई म्हणजे काय असणार आहे, टॅन वाय डी वाय इज इक्वल टू झिरो, आलं बघा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय विथ रिस्पेक्ट टू वाय काय असेल, मग दिस इज पी एस फॉर, दिस इज पी एस फॉर, आता तुम्ही काय म्हणू शकता पी एस फॉर, दिस इज पी एस फॉर, मग विच इज पी एस फॉर। नेक्स्ट काय असेल पीएस फॉर्मा लगा टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन वी गेट सोल्यूशन फाइंड करायला करायचं, इंटीग्रेशन घ्यायचं, घ्यायचं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन tan y dy is equal to c, okay x cos x integration find करून सांगा काय येते x cos x integration, पटपट फाइंड करा कोणता रूल यूज करा लागेल, x cos x टू डिफरंट फंक्शन आहेत, टू डिफरंट फंक्शन म्हणजे काय मल्टिप्लिकेशन आहे, यू इंटू रूल यूज करना, देखो यहाँ पे यू इंटू रूल क्या है, देखो यहाँ पे यूवी dx is equal u as it is integration of x minus integration of dou u by dou x into integration phi dx
उसके बाद dx, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ यू फी डी एक्स इज इक्वल यू एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ फी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओ वाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फी डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे u और v मुझे बताओ क्या है, u और v आर रोल नंबर 71 70, टेल मी द u एंड v, द फंक्शन u एंड v u is equal to x and v is equal to cos x, u is equal to x and v is equal to cos x। काय असणार आपला रूल, कोणता आहे, एल आय ए टी रूल, ओके। त्याच्यामधलं काय आहे, एक्स म्हणजे अल्जेब्रिक फंक्शन आहे आणि कॉस एक्स म्हणजे काय, ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन, म्हणजे अल्जेब्रिक फंक्शन काय असणार आहे फर्स्ट, देन यू इज इक्वल टू एक्स, वी इज इक्वल टू कॉस एक्स। खरं जवाब कुठे याच्यामध्ये, यू टर्म ॲज इट इज, कॉस एक्स ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स मायनस इंटिग्रेशन ऑफ, देअरफॉर म्हणा इंटिग्रेशन ऑफ ब्रॅकेटमध्ये डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, यू म्हणजे काय एक्स आहे, इंटू इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, येस ब्रॅकेट कम्प्लीट इंटू डी एक्स। आता झालं इंटिग्रेशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट काय असेल, प्लस इंटिग्रेशन ऑफ टॅन वाय, रोल नंबर 29, हॅलो रोल नंबर 29, टेल मी द इंटिग्रेशन ऑफ टॅन वाय, रोल नंबर 29 इंटिग्रेशन ऑफ टॅन वाय येते का नाही, रोल नंबर 65 इंटिग्रेशन ऑफ टॅन वाय, शिंदे रोल नंबर 65, आहेत का प्रेझेंट, मी ऍब्सेंट लावतो, सेक्स स्क्वेअर वाय, ओके सेक्स स्क्वेअर वाय, इंटिग्रेशन ऑफ टॅन वाय म्हणजे सेक्स स्क्वेअर वाय, शिंदे पार्टनर फॉर्म्युले डिरेक्ट झाला तो, लिहून दिलेत फॉर्म्युले, बघितले का नाही तुम्ही, लॉग ऑफ सेक वाय, हा लॉग ऑफ सेक वाय, फॉर्म्युले वगैरे जवळ ठेवत जावा, लॉग ऑफ सेक वाय इज इक्वल टू सी, हा एक्स इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, फर्स्ट टर्म समजले, एक्स यू एन टू व्हिरोल, यूच्या ठिकाणी फक्त काय केलं, इथं एक्स पुट केला आणि व्हीच्या ठिकाणी काय केलं, कॉस एक्स, मॅट्रिक्स सिम्प्लिफाय करत जावं आता, आणि इंटिग्रेशन ऑफ टॅन वाय म्हणजे काय, लॉग ऑफ सेक वाय, एक्स ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, सर इसका मॉड लेना है सर, नहीं नहीं मॉड की कोई जरूरत नहीं है, मॉड नहीं लिखते, और जब आप इंटिग्रेशन ऑफ sec x और cosec x लेते हो ना, तब मॉड लेते हैं वहां पे, इसमें कोई जरूरत नहीं है। इंटिग्रेशन ऑफ cos x इज ओनली sin x, नॉट माइनस sin x, ओके, माइनस इंटिग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इनटू इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स डी एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक वाय इज इक्वल टू सी, देअरफॉर एक्स साइन एक्स माइनस इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज अ माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक वाय इज इक्वल टू सी, देअरफॉर एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस cos x plus log of sec y is equal to c।
x sin x plus cos x plus log of sec y is equal to c. This is the required solution of given differential equation. Write down here. This is required solution. Of differential equation. हेलो सर. हाँ बोला. सर ते तुम्ही स्टार्टिंग ला dx ने मल्टीप्लाई केले आणि नंतर cos y ने डिवाइड केले ना तिथे जर सिंपली ते sin y पासून जर आपण इक्वल टू च्या पुढे जर आणला आणि नंतर हो चालते चालते काय अडचण नाही. मग त्यावेळेस म्हणले की पहिले तुम्ही बर कोणती मेथड यूज करू शकता. इथं मी जी सोपी वाटली मला ते मी यूज केली. तुम्हाला जे सोपी वाटते ते यूज करायचं. मी हेच यूज करायला पण असं लक्षात ठेवू नका. मला म्हणजे जे सोपी वाटते ते मी यूज करणार असं लक्षात ठेवा. कारण हेच जर तुम्ही यूज करायचं म्हणलं तर तसं लक्षात ठेवणं ठेवता येणार नाही तुम्हाला. कारण भरपूर मेथड्स आहेत या चॅप्टरमध्ये. तुम्ही कोणतीही मेथड यूज करा फक्त परफेक्ट यूज करत जायच. चुकू द्यायचं नाही. प्लस मायनस म्हणजे चुकवायचं नाही. तुम्ही कोणतीही मेथड यूज केली तर ना ते अप्लाय होते. काय प्रॉब्लेम येत नाही. झाले का लिहून? अजून कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. झालं लिहून
के सॉल्व करा डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट एक्स माइनस ई रेस्ट एक्स माइनस टू वाय दोन्ही कशामध्ये पॉवर मध्ये ई रेस्ट एक्स माइनस टू वाय असं घ्या ई रेस्ट एक्स माइनस टू वाय नाही असं नका घेऊ ई रेस्ट एक्स माइनस टू वाय असं नाही आहे ई रेस्ट एक्स ई रेस्ट एक्स माइनस टू वाय काय करते लो आता सेपरेट करण्यासाठी काय करावं लागेल ई रेस्ट टू एक्स माइनस टू वाई फर्स्ट इसको आपको सेपरेट करना होगा तभी क्या हो सकता है डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू एक्स माइनस टू वाई फर्स्ट इसको सेपरेट करना के इसको कैसे सेपरेट करेंगे देखो ई रेस्ट टू ए प्लस बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस्ट टू ए इंटू ई रेस्ट टू बी अगर बेस सेम रहते तो उसको क्या करते हम पावर की एडिशन लेते हैं ना जब बेस सेम असेल तर आपण काय करतो पावरची ऍडिशन घेतो तो रूल इथे यूज करायचा पावर मध्ये ऍडिशन आहे तर काय करणार ते सेपरेट करायचं ई रेस्ट टू ए इंटू ई रेस्ट टू बी dy by dx is equal to e raised to x into e raised to minus 2 first step samajle sarvanna agar aapla separate karnyasathi kay karla lagel to e raised to x minus 2y he separate pahijel na karne power madhe mga kela apan he separate kela kasa separate kela e raised to x into e raised to minus 2y e raised to x plus y asa tar apan kay karnar e raised to x into e raised to y बेस सेम असेल तर पॉवरचे ऍडिशन तो रूल यूज केला मी फर्स्ट ओके नेक्स्ट तर करा सेपरेट देअरफॉर आता ई रेस्ट एक्स इथं मल्टिपल ला आहे इथं डी एक्स डिवाइडला आहे तो हम क्या करेंगे इस डी एक्स को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ई रेस्ट माइनस टू वाई को यहाँ पे डिवाइड ले लेंगे हम देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी वाई डिवाइडेड बाय ई रेस्ट माइनस टू वाई is equal to e raised to x into dx dy upon e raised to minus 2y is equal to e raised to x into dx therefore next ye denominator mein isko hum numerator mein le sakte hain to kya ho jayega iski power change ho jayegi to power kitni aayegi e raised to 2y into dy is equal to e raised to x into dx देखो इसमें क्या हो जाएगा e raised to 2y into dy is equal to e raised to x into dx हो जाएगा ओके आ गया दिस इज वेरिएबल सेपरेट फॉर्म दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देयरफॉर इंटीग्रेशन e raised to 2y dy is equal to इंटीग्रेशन e raised to x dx सॉरी आप एक वर्ड्स ले रहे टिकिंग इंटीग्रेशन देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू वाई देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना रहता है ई रेस्ट टू एक्स प्लस एज इट इज ई रेस्ट टू एक्स तो देखो यहाँ पे ई रेस्ट टू वाई है इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा ई रेस्ट टू वाई एज इट इज बट यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन है ना क्योंकि यहाँ पे ई रेस्ट एक्स हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है ये छोड़ के कौन सा फंक्शन है तो उसे हम क्या कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन है यहाँ पे टू वाई आया है ना तो ई रेस्ट टू वाई अपॉन इसका क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा टू आएगा इज इक्वल टू ई रेस्ट एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट एक्स प्लस सी तो आपको ये टू रिमूव करना होगा डिनोमिनेटर से तो आप ऐसा कर सकते हो ई रेस टू टू वाई टू ई रेस टू एक्स प्लस सी क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है ना कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आंसर कांस्टेंट ही आएगा तो मैंने थ्रू आउट क्या किया यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म को मित्र क्या बोला
प्रत्येक टर्मला 2 ने मल्टीप्लाई केला जरी 2c घेतलं तर याचा अर्थ काय असणार आहे c च असणार आहे कारण काय कॉन्स्टंट जरी कॉन्स्टंट ने मल्टीप्लाई केलं तर आंसर काय येणार आहे कॉन्स्टंटच येणार आहे म्हणून मी डायरेक्ट तो c घेतोय 2c घ्यायची गरज नाही आहे ओके राइट डाउन